नमस्कार दोस्तों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में कोठारी आयोग के बारे में पढ़ा था। आज हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में पढ़ेंगे। क्या है राष्ट्रीय शिक्षा नीति? देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अगर हम बात करें बच्चों, तो 1968 की जो राष्ट्रीय नीति आई थी, उन नीतियों में जो जो कमियां रह गई थी या जिनको पूर्णतः लागू नहीं किया जा सकता था, उन नीतियों को क्रियान्वित करने का कार्य किया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। देखो बच्चों, 20 अगस्त 1985 को केंद्र सरकार के द्वारा एक पुस्तक जो है वो प्रकाशित करवाई गई। उसमें पुस्तक का नाम था शिक्षा की चुनौती, एक नीतिगत आयाम। ये पुस्तक जनता के लिए जारी की और इसी के साथ MHRD के द्वारा एक सम्मेलन बुलाया गया। जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री थे, उन मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया गया और कहा गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने के लिए अपने अपने विचार प्रस्तुत करो। इसी के साथ जनवरी 1986 में डॉक्टर राजीव गांधी, जो भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय, राजीव गांधी जिसे भारत में कंप्यूटर क्रांति का जनक कहा जाता है, वो थे राजीव गांधी। और राजीव गांधी ने ये कहा कि भारत में एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है या एक ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाई जाएगी जो वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए क्या करेगी, जिनके क्रियान्वयन की पूरी योजना प्रस्तुत की। और कहा कि जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, वो एक ऐसी शिक्षा नीति बनाने जा रही है जो मूल्यों, नैतिक आदर्शों की शिक्षा प्रदान करेगी। इसी के साथ 8 अगस्त 1986 को संसद में इसको प्रस्तुत किया गया और इसे पारित करवाया गया और मई में ये प्रस्तुत किया गया। मई 1986 को संसद में इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया और ये जो है हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 बन गई। राष्ट्रीय नीति जो 1986 है उसमें 12 अध्याय है। अब इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए एक क्रियान्वयन कार्यक्रम चलाया गया, जिसको हम प्रोग्राम ऑफ एक्शन POA के नाम से भी जाना जाता है। इस POA ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के क्रियान्वयन के लिए काफी काम किया और इस क्रियान्वयन कार्यक्रम के कितने भाग थे, 24 भाग थे। तो आपने देखा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के लिए जनवरी 1986 में राजीव गांधी ने घोषणा की कि भारत में एक राष्ट्रीय नीति बनाई जाएगी जो क्या करेगी, ऐसी योजना होगी जिसमें क्रियान्वयन की पूरी योजना भी प्रस्तुत करेगी। आपने देखा 1968 की जो कोठारी आयोग था, उसने जो जो सुझाव दिए, केवल सुझाव दिए कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन इसके क्रियान्वयन के सुझाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में नहीं थे। कोठारी आयोग के सुझाव में इनका उल्लेख नहीं किया गया था, इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 लाई गई। इस जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी, इसके 12 भाग है। कितने भाग है? 12 भाग है। पहला, भूमिका। दूसरा, शिक्षा का सार व भूमिका। तीसरा, समानता के लिए शिक्षा। चौथा, शिक्षा का पुनर्गठन विभिन्न स्तरों पर। पांचवा, तकनीकी व प्रबंधन शिक्षा। छठा, प्रणाली को कार्यशील बनाना
सातवां शिक्षा का प्रबंधन करना, आठवां विषय सामग्री, दसवां प्रशिक्षण, ग्यारहवां भविष्य, बारहवां है ये बारहवां भाग है आपका भविष्य। इस प्रकार जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के ये 12 भाग है, भूमिका शिक्षा का सार व भूमिका, समानता के लिए शिक्षा, शिक्षा का पुनर्गठन, तकनीकी व प्रबंध शिक्षा, प्रणाली को कार्यशील बनाना, शिक्षा का प्रबंधन करना, विषय सामग्री, प्रशिक्षण और भविष्य। इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 12 भाग है। अब बात ये आती है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखो बच्चों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता इसलिए पड़ी, पहला था अधिक जनसंख्या व मानवीय संसाधन होने के कारण सबको शिक्षित करना। आप सबको पता है कि जनसंख्या का सबसे ज्यादा जो विस्फोट हुआ वो 1980 से लेकर के 1990 के काल में हुआ। जन संसाधन लगातार बढ़ता जा रहा था, लेकिन धीरे 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 भारत में निरक्षरता का दौर बढ़ गया था, लोगों का जीवन स्तर खराब हो चुका था, लोगों की आय की विषमता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। तो इसका राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मेन मोटिव ये था कि सबको शिक्षित करना, और सबको शिक्षित करने के लिए ऐसी शिक्षा नीति की आवश्यकता थी जो सबको शिक्षित करने का सुझाव देती हो। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आई। 1968 का नीति आधार, आप सब जानते बच्चों 1968 में 10+2+3 इस बात को स्वीकार किया, कॉमन शिक्षा प्रणाली को समस्त भारत में लागू किया। और इसको लागू किस प्रकार भारत में करवाया जा सकता है इसकी बात करती है आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। 1968 की समीक्षा, आप सब जानते हो बच्चों कि 1968 में ही त्रिभाषा फॉर्मूला दिया, 10+2+3 की व्यवस्था की गई, विकलांगों की शिक्षा की बात कही गई, गणित व विज्ञान की शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई। जब इन बातों का सार रूप ही हमने 1986 की नीति में अपना लिया, शिक्षा का पूर्ण क्रियान्वयन। आप सब जानते हो, मैंने पहले भी बताया है और राजीव गांधी जी ने भी कहा था कि पहली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई 1968, उसके कुछ तत्वों का पूर्ण क्रियान्वयन नहीं हो पाया था। कुछ तत्वों को स्वीकार किया गया लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं किया गया। तो उनका क्रियान्वयन करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जरूरत पड़ी। विभिन्न वर्गों तक शिक्षा को पहुंचाना, आम आदमी तक शिक्षा नहीं पहुंच पा रही थी, हर गांव में विद्यालय की स्थापना नहीं हो पा रही थी, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र नहीं बने हुए थे, ग्रामीण क्षेत्र में हस्त कौशल शिक्षा का विकास नहीं हुआ था। तो इसीलिए विभिन्न वर्गों तक शिक्षा को पहुंचाने के लिए एक नई शिक्षा नीति की आवश्यकता थी। उसके बाद आता है स्तर में सुधार। आप सब जानते हो अगर निरक्षरता होगी, विज्ञान को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, विभिन्न वर्गों तक शिक्षा नहीं पहुंचेगी तो आय की विषमता होगी। आय की विषमता क्यों होगी? क्योंकि लोगों में बेरोजगारी बढ़ेगी। शिक्षित होने के बावजूद भी रोजगार नहीं मिल पा रहा था तो आय की विषमता थी, और आय की विषमता होने के कारण लोगों का जीवन स्तर में सुधार करना आवश्यक था। और लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए हर बच्चे को शिक्षित करना आवश्यक था। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आई। आधुनिकीकरण, आप सब जानते हो बच्चों कि शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण करना, माध्यमिक स्तर पर विज्ञान व गणित की शिक्षा उपलब्ध करवाने से
और विश्वविद्यालय स्तर पर शोध कार्य को विकसित किया गया। विश्वविद्यालयों की स्थापना लार्ज स्केल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वविद्यालय खोले गए ताकि गांवों का विकास हो और हमारा भारत आधुनिकीकरण की ओर चले। आर्थिक सुधार, आप सब जानते हो कि 1968 की जो राष्ट्रीय नीति आई बच्चों, उसका मेन मोटिव था शिक्षा से उत्पादकता में वृद्धि करना। और शिक्षा से उत्पादकता में वृद्धि बच्चों कब होगी? तब होगी जब क्या होगा? जब आर्थिक सुधार होगा। और आर्थिक सुधार तभी हो सकता है जब हम बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाए, हर वर्ग हर तरह के बालक को एक ही तरह की शिक्षा प्रणाली उपलब्ध करवाए। इसी के लिए हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की आवश्यकता पड़ी। तो 1986 की आवश्यकता क्यों पड़ी नीति की? पहला, अधिक जनसंख्या व मानवीय संसाधन होने के कारण सबको शिक्षित कैसे किया जाए, इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की आवश्यकता पड़ी। 1968 का नीति आधार, 1968 की जो राष्ट्रीय नीति आई इसकी समीक्षा करने के लिए नीति आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 डॉक्टर राजीव गांधी के काल में। शिक्षा का पूर्ण क्रियान्वयन करने के लिए और विभिन्न वर्गों तक शिक्षा को पहुंचाने के लिए एनपी 1986 की आवश्यकता थी। स्तर में सुधार करने के लिए, आपको पता है शिक्षा के विभिन्न स्तरों में भी क्या था? अंतर था। तो उस स्तर की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की आवश्यकता पड़ी। फिर आता है आपका बच्चों, आधुनिकीकरण करने के लिए और आर्थिक सुधार करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी बच्चों? हमारी एनपी 1986 की आवश्यकता पड़ी। अब बात आती है बच्चों क्या कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख सुझाव कौन कौन से थे। तो आपने देखा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, शिक्षा की चुनौती एक नीतिगत आयाम, एक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। जनवरी 1986 में राजीव गांधी के द्वारा घोषणा की गई कि भारत के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण किया जाएगा जो समस्त राष्ट्र को न केवल शिक्षा प्रदान करेगा बल्कि उसे राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक मूल्यों की भी शिक्षा प्रदान करेगा। ऐसा राजीव गांधी ने घोषणा की थी। और राजीव गांधी ने जो जिस शिक्षा नीति की घोषणा की वो 8 अगस्त 1986 को संसद में प्रस्ताव पारित हो गया और मई 1986 को इसको प्रस्तुत किया गया था लोकसभा और राज्यसभा में। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कितने अध्याय है? 12 अध्यायों में इसको बांटा गया है। इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को और इसका क्रियान्वयन करने के लिए पीओए का गठन किया गया जिसके कितने भाग थे? 24 भाग थे। इसके अलावा अगर हम बात करें बच्चों कि इसके कितने भाग हैं, इसके 12 भाग हैं। 12 भागों में सबसे पहले भूमिका बताई है कि क्या है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भूमिका। इसके बाद शिक्षा का सार बताया है कि शिक्षा क्यों जरूरी है। इसी के साथ समानता के लिए शिक्षा, शिक्षक शिक्षा, कार्य प्रणाली, वेतन भत्तों, तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा, भविष्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का योगदान आदि के बारे में इसमें कहा गया है। अब बात आती है बच्चों की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के सुझाव क्या क्या है वो देखते हैं बच्चों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अगर हम बात करें बच्चों, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का पहला सुझाव भी मान सकते हो बच्चों, विशेषताएं भी मान सकते हो। किसको? सुझावों को। तो देखो, राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम पहला जो सुझाव था राष्ट्रीय शिक्षा नीति का वो था राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम। राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम पहला सुझाव था इसका। इसमें कहा गया कि हमारे देश में 10 प्लस 2
2+3 की व्यवस्था की जाएगी और आपकी जो प्राथमिक स्तर है उसको दो भागों में बांट दिया गया। एक तो बांटा गया प्राथमिक और एक बांटा उच्च प्राथमिक। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बांटा गया। जो कक्षा 1 से लेकर 6 तक के जो विद्यालय होंगे वो प्राथमिक विद्यालय कहलाएंगे और उच्च माध्यमिक 6 से 8 तक के जो विद्यालय होंगे वो उच्च प्राथमिक कहलाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें बच्चों, तो ग्रामीण क्षेत्र में 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक विद्यालय बनाए जाएंगे और 2 किलोमीटर के दायरे में कौन से उच्च प्राथमिक विद्यालय बनाए जाएंगे। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति उच्च प्राथमिक माध्यमिक नहीं उच्च प्राथमिक विद्यालय बनाए जाएंगे ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया। और कहा गया कि 14 वर्ष तक नामांकन और ठहराव इन दोनों को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किया जाएगा। कुल मिलाकर के बात यह है बच्चों कि 6 से 14 साल तक के बच्चों का 100% नामांकन हासिल करना और नामांकन हासिल करने के बाद में भी उस बच्चे का ठहराव निश्चित करना। कई बच्चे स्कूल को बीच में ही छोड़ करके चले जाते हैं, तो क्यों, उसके पीछे क्या कारण है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ये कहती है कि 14 वर्ष तक के बच्चों के नामांकन को 100% करना, उसके ठहराव को सुनिश्चित करना और गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध करवाना। ये किसका देता? ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की देन थी। इसके अलावा कहा गया कि अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। अनौपचारिक शिक्षा केंद्र जहां पर प्रौढ़ को क्या दी जाएगी? शिक्षा दी जाएगी। जो बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ पाते उनको आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ाया जाएगा, प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों में पढ़ाया जाएगा। जो स्कूल आवर्स में बच्चे नहीं पढ़ सकते उनके लिए अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों की स्थापना की गई। कौन सी शिक्षा नीति के तहत? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत 10+2+3 की व्यवस्था की गई। राष्ट्रीय शिक्षा जो कार्यक्रम अपनाया गया उसमें कहा गया कि 1 किलोमीटर के दायरे पर प्राथमिक विद्यालय होंगे और 2 किलोमीटर के दायरे पर उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जाएगी। ठीक है बच्चों, प्रत्येक विद्यालय में इसमें कहा गया कम से कम कितने अध्यापक होंगे? 2 अध्यापक होंगे। कहा गया कि 2 अध्यापक होने ही चाहिए और इसी नीति को ध्यान में रखते हुए बच्चों, इस राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए एक ऑपरेशन आया क्रियान्वित करने के लिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया 1987। प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने के लिए बच्चों ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया 1987 में। क्या था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मतलब था प्राथमिक स्तर पर सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए विद्यालय में न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध करवाने का दायित्व केंद्र सरकार या राज्य सरकार का होगा। ये कहता है आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ने कहा कि विद्यालय में कम से कम 2 अध्यापकों की उपस्थिति करवाई जाएगी। वहां पर अध्ययन सामग्री, शिक्षण सामग्री और जो लिखने की सामग्री और विद्यार्थियों को जो उपलब्ध करवाई जानी चाहिए उन सामग्रियों को विद्यालय में उपलब्ध करवाया जाएगा। ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का कहना था और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड राष्ट्रीय शिक्षा नीति
1986 का ही परिणाम था बच्चों। और एक ध्यान रखना बच्चों, ये जो मैंने बताया ना, 1 किलोमीटर के दायरे पर ये होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण करने के लिए ही बच्चों आया था आपका सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े, 2000 से 2001 के बीच में सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया। ये भी क्या था, ये एनपी 1986 की नीति को क्रियान्वित करने के लिए ही हमारे भारत में सर्व शिक्षा अभियान। इससे पहले जो योजना चलाई गई बच्चों, वो चलाई गई थी लोक जुम्बिश योजना। कौन सी योजना? लोक जुम्बिश योजना। और इसी लोक जुम्बिश योजना जो कि 1994 में चलाई गई थी, इसी को आगे चलकर के सर्व शिक्षा अभियान में समाहित कर दिया गया बच्चों। समाहित करने के बाद सर्व शिक्षा अभियान ने ये लक्ष्य रखा कि 1 किलोमीटर के दायरे पर प्राथमिक विद्यालय और 2 किलोमीटर के दायरे पर उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे और 2010 तक अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। लेकिन बच्चों 2010 में जब सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य को हासिल नहीं किया गया, तो सर्व शिक्षा अभियान की समयावधि को बढ़ा करके 2018 कर दिया गया। और आज सर्व शिक्षा अभियान का समावेशन समसा में कर दिया गया है, समग्र शिक्षा अभियान में कर दिया गया बच्चों इसका। तो आपको मैं ये कहना चाह रही हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम के 2 क्रियान्वित रूप है, एक सर्व शिक्षा अभियान जो 2000-2001 के बीच में चला और दूसरा था आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। 1987 में ये चीज चलाई गई। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये बात कही गई कि शारीरिक दंड किसी भी बच्चे को नहीं दिया जा सकता, शारीरिक दंड किसी भी बच्चे को नहीं दिया जा सकता। ये बात भी आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 कहती है। और आप जानते हो आरटी अधिनियम 2009 में भी आपका अनुच्छेद जो 17 है उसमें इस बात का उपबंध किया गया है कि किसी भी बच्चे को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाता जा सकता। तो आपने देखा कि 1986 की नीति के इस तत्व को लिया गया कि किसी भी बच्चे को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम पहला सुझाव था, ठीक है। दूसरा जो सुझाव दिया गया बच्चों, वो कहा गया गणित व विज्ञान की शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कहा गया कि बच्चे को गणित व विज्ञान की शिक्षा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। तो दूसरा जो सुझाव था गणित व विज्ञान की शिक्षा, गणित की शिक्षा किस प्रकार बच्चे को दी जाए, इसके बारे में इसमें कहा गया कि गणित की शिक्षा के लिए आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाए, विज्ञान की शिक्षा प्रदान करने के लिए बच्चे को समस्या दी जाए, प्रोजेक्ट्स कराए जाए, प्रयोगशाला में ले जाया जाए, अधिगम सामग्री आपकी स्कूल में अवेलेबल करवाई जाए, शोध कार्य को बढ़ावा दिया जाए, बच्चे को समस्या समूह में दी जाए। ये आपका कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति गणित व विज्ञान की शिक्षा बच्चे को उपलब्ध करवाओ। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 कहती है नवोदय विद्यालय के बारे में। किसके बारे में बच्चों? नवोदय विद्यालय। क्या है नवोदय विद्यालय? देखो बच्चों, ग्रामीण क्षेत्र में आप जानते हो कई बच्चे प्रतिभाशाली है। क्या है? प्रतिभाशाली है। तो इन प्रतिभाशाली बच्चे जिनके माता पिता की इनकम इतनी अच्छी नहीं है, उन ग्रामीण प्रतिभाशाली बच्चों को 75% रिजर्वेशन दिया गया है। और इन जो नवोदय विद्यालयों में जो एडमिशन लिया जाएगा उसमें 1/3 लड़कियों को शामिल किया गया है। और नवोदय विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय विद्यालय होते हैं जो प्रतिभाशाली बच्चों को स्कूल में दाखिला करवाते हैं।
सीबीएसई से ये नवोदय विद्यालय संबद्ध होते हैं। कौन से विद्यालय? नवोदय विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को अच्छी स्कूली शिक्षा उपलब्ध करवाना नवोदय विद्यालय का उद्देश्य है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया कि स्कूलों में नवोदय विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। ये इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ये बात कही गई। आगे के सुझावों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की आवश्यकता क्यों पढ़ी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कितने अध्याय है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3-4 सुझावों के बारे में हमने चर्चा की। आप चाहते हैं मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाऊं तो आप नव भारती स्टडी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि मैं रेनू वैद आपके लिए इसी तरह से वीडियो बनाती रहूं। देखो बच्चों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति न केवल बीएड सेकंड ईयर के लिए, सीटेट, रीट, आपका जो नेट है, इन सभी एग्जाम्स के दृष्टिकोण की से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो भी मैंने नोट्स ब्लैक बोर्ड पर लिखे हैं आप उनको नोट डाउन करते जाइए, मेरा वीडियो सुने, देखे और लिखे ताकि मैं आपको पूरी तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को समझा पाऊं। और आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें और नव भारती स्टडी सर्कल चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दें। धन्यवाद।